वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्टफ शाही टुकड़ा विथ पान फ्लेवर। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर लेंगे। इस वीडियो को पूरा आप देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग उसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग दूध लेंगे, चीनी, इलायची पाउडर है, ये खोया है, पिस्ता कतरा हुआ, काजू है, बादाम है और ये पान का पत्ता है और ये अमूल मिल्क पाउडर और ये कुछ हमने फूड कलर लिया है ग्रीन कलर और ये हमारा पान एसेंस है और मीठा टुकड़ा है ब्रेड का, तो ऑब्वियसली ब्रेड होगा। सबसे पहले हम दूध को बर्तन में लेंगे, एक डेगची में इसको हम काट के दूध डेगची में डाल देंगे। दूध को इसी तरह से सारा दूध हम डाल देंगे। 2 लीटर हमने दूध लिया है, इसको हम रिड्यूस करके 1.5 से 1.5 लीटर कर लेंगे। दूध बॉयल हो रहा है, दूध रिड्यूस थोड़ा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी मिला लेते हैं। चीनी मिलाकर फिर से इसको हम लोग और थोड़ा सा सूखने दें। ये पान का पत्ता है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर जार में मिक्सर जार में डाल के इसको महीन पीस लेंगे। इसको हम लोग जार में डाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी की मदद से इसको हम लोग पीस लेंगे। देखिए वैसे फाइन पेस्ट बना लेना है और इस ये यहाँ खोया है, खोया में इसको 2 चम्मच मिला लेंगे, 2 से 3 चम्मच मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें ये फूड कलर है ग्रीन फूड कलर, इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे कलर के लिए, जस्ट अच्छा इसका कलर आए। ये पान एसेंस है, फिर रस डालेंगे खुशबू के लिए, वो हिट करेगा आपके मुंह में। पान का जो फ्लेवर, जो एग्जैक्ट पान का जो कलर फ्लेवर है वो मुंह में आएगा आपके। थोड़ा सा बादाम का कतरन वो डाल देंगे, थोड़ा सा पिस्ता का फ्लेक्स वो भी डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम ब्रेड का साइड्स को काट देंगे। 30 छुरी से ब्रेड का साइड्स को काट देंगे। ये सारे ब्रेड को हमने 10 पीस ब्रेड लिया है, इसको बेलन से हल्का सा बेल लेंगे ताकि उसके अंदर का जो गैप्स है वो एक साथ हो जाए। इसी तरह सारा ब्रेड को हम लोग कर लेंगे और हम इसको इसकी फिलिंग को अब हम इसकी स्टफिंग शुरू करते हैं। ये हमने मैदा और पानी का घोल बना के रखा हुआ है चिपकाने के लिए ताकि इसका साइड खुले नहीं फ्राई करने पे। बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए घोल और बहुत पतला भी नहीं, इतना कि वो चिपके तो अच्छे तरह से वो खुले ना। ये ट्रायंगल शेप में इसको हम चिपका लेंगे। देखिए ट्रायंगल मीठा टुकड़ा तैयार हो गया। एक इसी तरह से हम लोग ये तैयार हो चुका है, इसी तरह से हम लोग बाकी के भी हम लोग बना लेंगे मीठा टुकड़ा। इसके
स्टफिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उतनी अच्छी लगी इंशाल्लाह। सारा तैयार हो चुका है फ्राई के लिए। ये काजू है, काजू को हम लोग पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे, कटोरी में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ये थोड़े से दूध में कॉर्नफ्लोर पाउडर मिलाएंगे, 1 से 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच से, थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करने के लिए। और ये मैंने दूध थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें हम 5 चम्मच अमूल पाउडर लेंगे, मिल्क पाउडर, दूध की रिचनेस को और बढ़ाने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मिल्क पाउडर मिक्स हो जाएगा तो उसी में ये हम लोग काजू पाउडर जब बना के रखा उसको भी इसको मिक्स कर लेना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने जो दूध रिड्यूस करके रखा हुआ उसमें मिला लेना। मिला लेना, ये बहुत गाढ़ी रबड़ी नहीं है हमारी, ये थोड़ी सी पतली वाली है, तो दूध को गाढ़ा करना है। और ये कॉर्नस्टार्च जब हमने घोल के रखा था उसको मिला लेंगे। कॉर्नस्टार्च को हमने मिला लिया, दूध गाढ़ी हो गई है, थोड़ी सी इलायची पाउडर भी मिला लेते हैं खुशबू के लिए। पान के साथ इलायची पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दूध गाढ़ी हो गई है, अब इसमें हमने जो बादाम कतर के रखा हुआ था उसको मिला लेंगे। थोड़ी सी बादाम को बचा के रखेंगे गार्निश करने के लिए। ये पिस्ता भी मिला लेंगे इसमें। और ये जो हमने पान पीस के रखा हुआ था थोड़ा सा तो हमने स्टफ में मिलाए थे, और बाकी जो है इसमें हम दूध में मिला लेंगे। देखिए तो दूध में मिलाते ही इसका कलर कितना खूबसूरत पिस्ता ग्रीन कलर का हो गया है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पान की, एकदम। आपको आप बनाएं ज़रूर इसको, घर में ट्राई करें, बिल्कुल डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेगा। मीठा टुकड़ा तो हर लोग बनाते ही हैं। ये पान एसेंस है, 2-3 बूंद इसको भी आप इसमें डालें और इसका फ्लेवर उभर कर आएगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये कुछ गोल होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक पैन लेंगे कढ़ाई, उसमें घी डालेंगे प्योर घी, और उसमें गर्म होने के बाद इसको हम लोग फ्राई करेंगे मीठे टुकड़ा को। ज़्यादा ज़्यादा ना डालें, 2-2 करके ही डालें, क्योंकि बहुत डेलिकेट है, अंदर स्टफिंग है उसकी, वो खोआ वो जब मेल्ट होगा तो वो टूटने का डर होता है। हल्के हाथों से उलट पलट करके धीमे आंच पर इसे गोल्डन ब्राउन करना है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी का भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। सारा फ्राई हमने कर लिया है,
अब इसको एक डिश में किसी भी आप अच्छे सर्विंग प्लेट में डाल लें, अरेंज कर लें। अभी गाढ़ा दूध देखिए गाढ़ी हो चुकी है ठंडी होके, इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके डालेंगे। आप घर में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि आपको एकदम डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। मीठा टुकड़ा तो बहुत तरह के आप लोगों ने खाया होगा, चाशनी वाली और दूध वाली भी। हमने इससे पहले आपको बगर खाने के मीठा टुकड़ा बना के सिखाया, अब ये इसको भी आप ट्राई ज़रूर करें। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, फ्लेवर भी उतनी ही अच्छा लगेगा आपको। जो पान के शौकीन हैं उनको तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसकी हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं पान के पत्तों के ऊपर ट्रेडिशनली। और बहुत धीरे से पंजे से निकालना होगा क्योंकि ये एकदम घुल जाता है दूध में। ये इसके ऊपर हम लोग चांदी का वरक लगाएंगे, तबक जिसको बोलते हैं, सिल्वर लीफ। और ये पिस्ता और बादाम की कदर से फिर इसको ऐसे गार्निश करेंगे, ये खाने के लिए बिल्कुल। देखिए कितना खूबसूरत और डेलिकेट और शाही, और जितनी भी तारीफ करें बहुत कम है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर घर में ट्राई करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और खाएं बना करके। ईद में ज़रूर ट्राई करें और से लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। देखिए इसको फिर काटने के बाद अंदर में कितना खूबसूरत कलर आया है, ग्रीन कलर, खोया, बादाम, काजू, सब अंदर का फ्लेवर आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।